कीरतपुर नीर चौक फोरलेन में कार्यरत ठेकेदारों ने अपनी बकाया राशि की मांग को लेकर न केवल डीसी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना किया बल्कि बाद में डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। कीरतपुर नीर चौक फोरलेन में कार्यरत ठेकेदारों ने अपनी बकाया राशि की मांग को लेकर न केवल डीसी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना किया बल्कि बाद में डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। पूर्व जिला परिषद सदस्य जितेंद्र चंदेल की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि इस फोरलेन का कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक निजी कंपनी को 2013 में BOT के आधार पर दिया गया तथा जून 2017 से बंद पड़ा है। ज्ञापन में कहा गया कि इस फोरलेन में कार्य करने वाले ठेकेदारों के करीब 55 करोड़ रुपए की राशि संबंधित कंपनी के पास है तथा अब इस फोरलेन का कार्य दूसरी कंपनी को दे दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि अपनी बकाया राशि की मांग को लेकर संबंधित ठेकेदारों ने न केवल 2019 को माल्यावार में हुए जनमंच में आवाज उठाई थी तथा इस बाबत भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिलकर मांग उठाई, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। जितेंद्र चंदेल ने कहा कि अपना बकाया पैसा वापस लेने के लिए अब उनके पास इस फोरलेन का काम बंद करने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया है। ठेकेदारों की भावनाओं और उनके तेवरों को देखते हुए डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने शाम को संबंधित कंपनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन की मौजूदगी में ठेकेदारों के साथ बैठक करवाई। इस बैठक में कीरतपुर नीर चौक फोरलेन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ITNL कंपनी के अधिकारी SP बिलासपुर व ADM बिलासपुर भी मौजूद रहे। बीही प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि संबंधित कंपनी ने इसकी लिस्ट दे रखी है। उन्होंने कहा कि भी इस बारे में उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने 2 सप्ताह की समय सीमा मांगी है और कहा कि 20 दिसंबर के पहले सप्ताह में उच्च अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन की मध्यस्थता में बैठक करवाएंगे। पूर्व जिला परिषद सदस्य जितेंद्र चंदेल ने बताया कि यदि संबंधित समय सीमा के बाद उनकी बकाया राशि को नहीं दिलवाया गया तो ठेकेदारों को मजबूरी में फोरलेन का काम बंद करने के साथ ही नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया जाएगा। हमने सुबह से DC ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और DC साहब ने कहा कि आप 3:30 बजे NHAI के अधिकारियों को बुला रहे हैं और कंपनी के अधिकारियों को बुला रहे हैं। 3:30 बजे हमारी बैठक DC साहब की अध्यक्षता में NHAI के PD जो कीरतपुर नीर चौक का काम देख रहे हैं उनको वो थे और ITNL से मिस्टर नरेश ही थे। तो ये फैसला हुआ DC साहब की अध्यक्षता में कि 15 दिन के अंदर NHAI के जो उच्च अधिकारी हैं, जो दिल्ली में जो उनके मेंबर्स हैं, वो आएंगे और ITNL के जो हेड ऑफिस से मिस्टर मित्तल हैं वो इस मीटिंग में आएंगे और उस मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट है वो पेमेंट कितने दिन में देंगे। अदरवाइज अगर ये 15 दिन के अंदर उस बैठक में ये फैसला नहीं कर पाए कि हम कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट इतने दिन में नहीं करेंगे या मना करेंगे करने की, तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। हमें मजबूरन होकर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ेगा। हमें जो काम कीरतपुर में जो चल रहा है इस प्रोजेक्ट का वो बंद करना पड़ेगा।